गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, पाठ त्रण अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, लेखिका छे डॉक्टर कोकिला पारेख। लेखिका नो परिचय जोईशु। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव वासित जिला गांधीनगर में हुआ था। उसने MA MPhil और विद्यावाचस्पति PhD જેને આપણે આગળ ડોક્ટર લગાવીએ એને PhD કે શિક્ષા ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સે પ્રાપ્ત કી। ગુજરાતી ઓર હિન્દી દોનો ભાષા મે લેખન કાર્ય કિયા હૈ ઉન્હોને। અધ્યાપન કે સાથ સમાજ સેવા મે ભી વિશેષ યોગદાન રહા હૈ। મહિલા જાગૃતિ મે ઉન્હોને અચ્છા કાર્ય કિયા હૈ। હિન્દી પ્રચાર પ્રસાર મે ભી ઉનકા યોગદાન રહા હૈ। આજકલ गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर अगर लगावामां आवे छे मतलब के PhD जेने हिंदी में विद्यावाचस्पति कहवाय। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों की प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम, अंतरिक्ष एटले अवकाश। सौ प्रथम अवकाश में जनारी अपना भारत देश की जे नारी हती ए हती कल्पना चावला, अने त्यार पछी बीजी आ स्त्री छे सुनीता विलियम्स, अने एटले एने अंतरिक्ष परी आकाश में उड़नारी कहेवामां आवे छे। 20 सितंबर 2007 के अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। 20 सितंबर 2007 में अहमदाबाद ना हवाई अड्डे एटले एरोड्राम पर अमेरिका थी एक हवाई जहाज एटले के प्लेन आवी पहुंच्यू, अने त्यारे आपणो अटलांटिस यान पृथ्वी ऊपर पहुंचवा जेटली उत्तेजना लोगों में हती। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स, अने एमा कोण हतु? भारत की शान अने गुजरात नो गौरव एटले के एमा हती अपनी सुनीता विलियम्स, के जे अवकाश में जई अने अवकाशनी यात्रा सफल बनावी अने गुजरात पाछी फरती हती। महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसान तो है ही। हालना समय में पण आपणे जोईए छीए कि छोकरीओ स्त्रीओ घणा बधा क्षेत्र में आगळ छे, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसान तो है ही। मोटा में मोटा सारा में सारा पद पर स्त्रीओए पोतानो प्रभुत्व जमाव्यू छे। परंपरा की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। परंपरा घणा लोको एम माने छे के स्त्रीओए आम न करवू जोईए, स्त्रीओए तेम न करवू जोईए, પણ અત્યારે તમે જોશો કે સ્ત્રીઓ કેટલી બધા ક્ષેત્રમાં આગળ છે અને ખૂબ બુદ્ધિશાળી છે। સ્ત્રીઓનું IQ લેવલ તમે જોશો, પહેલાંના સમયમાં એમ કહેવાતું કે સ્ત્રીની બુદ્ધિ પગની પાની એ, પણ હવે એવું રહ્યું નથી। પરંપરાની બેડી, રૂઢિગત રિવાજો, જૂના વિચારો, જૂના ઝંઝીરોને તોડી અને સ્ત્રીઓ એ પોતાના અસ્તિત્વને આજે સાકાર બનાવ્યું છે, એટલે કે પોતાનું અસ્તિત્વ पूरेपूरो आ जगत ऊपर स्थापित करी बतायु छे के हम किसी से कम नहीं। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। युवा पीढ़ी माटे जे गौरवशाली बात छे ए अंतरिक्ष पर पोतानो અસ્તિત્વ સ્થાપિત કર ચૂકી, કે એમણે જમીન ઉપર તો પોતાનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કર્યું જ છે। આજે સ્ત્રીઓ રિક્ષા પણ ચલાવે છે, ટ્રેન પણ ચલાવે છે,
तो अंतरिक्ष अवकाश पर एने पोतानु अस्तित्व साबित करनार ए प्रथम स्त्री कल्पना चावला पछी बीजू नाम सुनीता विलियमनु जोड़ायेलू छे। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। भारत की प्रतिष्ठा ने पूरेपूरी एने गौरवान्वित करी अने सफल थई अने ए पाछी आवी। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। हौसले की बुलंदी छूना पूरे पूर्व अस्तित्व जमाना खूब सफलता मेळवानी अने पछी हमारी कल्पना बन गई एटले के एनु यान नीचे जयरे आवतु हतु त्यारे क्रेश थयु अने ए एनु मृत्यु थयु। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम आज उस मुकाम तक पहुँच गई है। कल्पना चावला नु जे अधूरु सपनु हतु अने पोतानु जे दीवा स्वप्न एटले के सेक्चुअलीना विचारो, आपणे एम कहीं हूँ आम करीश, हूँ अमेरिका जवाना विचारो आवे, घड़ीक थाय तो आपणने घणा बधा जुदा जुदा विचारो आवे कि हूँ आम हो तो हूँ तेम हो तो, एटले आ एनु दीवा स्वप्न हतुं के ने अवकाशमां पोतानो रेकॉर्ड ब्रेक करवो अने आजे खरेखर ए मुकाम पर पहुँची हती। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, एना नाम पाछळ विलियम शब्द लागे छे तो आपणने विचार आवे के ए गुजराती ने भारतीय केवी रीते। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। भारतीय नागरिक नथी पण एनो मूळ गुजरात थी जोड़ायेलू छे। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गाम में हुआ था। एना पिता दीपक भाई पंड्या एमनो जन्म गुजरात ना मेहसाणा जिला ना जुलासन गाम में थयो हतो। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर सन 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। एमणे पोतानी अर्धी जिंदगी गुजरात में बितावी हती। अहमदाबाद में सेकेंडरी शिक्षण उच्च शिक्षण प्राप्त कर्यु। पोतानी डॉक्टरोनी डॉक्टरी सेवा आपी अने 1960 में हमेश माटे अमेरिका चाल्या गया। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। अमेरिका ना मैसाचुसेट्स गामना कालमाउथ गाम में ए प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन एटले के मगजना डॉक्टर था। उन्होंने उस्बाइन बानी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की अने त्या अमेरिका में एमने उस्बाइन बोनी नामनी युगोस्लावियन युवती साथे लग्न कर्या। पिता दीपक पंड्या और माता उस्बाइन के जय दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। पिता नुं नाम दीपक भाई अने माता नुं नाम उस्बाइन बोनी अने एमना आ त्रण संतान में सुनीता सौथी नानकड़ी हती। सुनीता का जन्म सन 19 दिसंबर 1965 ईको ओहियो अमेरिका में हुआ। एनो जन्म 19 दिसंबर 1965 ओहियो अमेरिकाना ओहियो शहर में थयो। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। नानपणथी ज खूब सरस स्वतंत्रता मुक्त वातावरण मळेलू अने एनामां घणी बधी साहस वृत्ति उभरी आवी। सुनीता बचपन से ही दौड़ स्विमिंग घुड़दौड़ बाइकिंग स्नोबोर्डिंग धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। पहलाना समय में एवं हतुं कि छोकरीओए आम न कराय छोकरीओए तेम न कराय पण सुनीता पूरेपूरा मुक्त वातावरण में उसरेली हती अने एणे स्विमिंग घुड़दौड़ बाइकिंग बाइक पर चलावती धनुर्विद्या जेवा साहस भरेला खेल में भाग लेती हती। वह मेहनती थी, मेहनत करो तो दरेक कार्य में सफलता मळे छे। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमरीकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। 6 वर्ष की सुनीता विलियम्स से नील आर्मस्ट्रांग के जेने चंद्र
ની ધરતી ઉપર પ્રથમ પગ મૂક્યો હતો ઉતરતે હુએ દેખા તબ ઉસને મન મે નિશ્ચય કર લિયા દ્રઢ નિશ્ચય કરી લીધો કે મારે પણ આવું કંઈક કરીને બતાવું છે બચપન કા સંકલ્પ ઉસને સાકાર કિયા અને પોતાના નાનપણનું સ્વપ્ન એણે સાકાર કર્યું उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया फिजिक्स लई अने भौतिक विज्ञान एटले फिजिक्स लई अने एने ग्रेजुएट कर्यु इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में अहमदाबाद में बाद में अनुस्नातक किया એટલે કે અનુસ્નાતક એટલે કે ડબલ ગ્રેજ્યુએટ ગ્રેજ્યુએટ પછી તમે ડિગ્રી આગળ મેળવવા માટે તમારે માસ્ટર કરવું પડે એને અનુસ્નાતક કહેવાય ઇસકે પહેલે 1987 મેં નેવલ અકાદમી સે વ્યાવસાયિક અનુભવ કે લીએ જુડી જહાં સાહસ ઓર શ્રમ કી પ્રવૃત્તિઓ કા મહત્વ થા ઇસકે બાદ નેવી મેં એવિએશન ટ્રેનિંગ અમેરિકા મેં કમિશન અધિકારી બેસિક ડિવાઇડિંગ ઓફિસર કા પદ મિલા ઘણા બધા સાહસ ભરેલા કાર્યોથી એણે સફળતા મેળવી અને અમેરિકામાં આ કમિશન અધિકારી બેઝિક ડિવાઇડિંગ ઓફિસરનો એને પદ મળ્યું હેલિકોપ્ટર પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યા હેલિકોપ્ટરનું પ્રશિક્ષણ પણ પ્રાપ્ત કર્યું અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે સ્ત્રીઓ પણ પાયલટ હોય છે પ્રશિક્ષણ કે બાદ ઓફિસર ઇન્ચાર્જ બન ગઈ સુનીતા કો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેવલ ટેસ્ટ પાયલટ કોર્સ કે લીએ ચયનિત કિયા ગયા અને અમેરિકામાં જ એને પ્રશિક્ષણ મેળવ્યા પછી એને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેવલ ટેસ્ટ મેં પાયલટ કોર્સ માટે નિમણૂક કરવામાં આવી પાયલટ બનને કે સીધી કો પ્રથમ કદમાના કે મારું પ્રથમ કદમ છે આ મારું અવકાશ ઉપર જવાનું મારું સપનું સાકાર કરવાનું અંતરિક્ષ પર જાને કી તીવ્ર ઈચ્છાથી એટલે હિંમત નહીં હારી જરા પણ હિંમત ના હારી કે એને અંતરિક્ષમાં જવું હતું ઓર નાસા જાને મેં સફળ હોઈ નાસા સેન્ટર છે અવકાશમાં લઈ જનારું તેમાં એ સફળ થઈ તબસે આજ તક સુનીતા નાસામાં કાર્યરત હે અને ત્યારથી આજ સુધી એ નાસામાં પોતાનું સફળતા ભરેલું કાર્ય બતાવી રહી છે 1998 અંતરિક્ષ યાત્રી કાર્યક્રમમાં દ્વિતીય પ્રયાસમાં ચયન હુઆ બીજી વખત પ્રયત્ન કર્યો અંતરિક્ષ યાત્રી કાર્યક્રમમાં જવા માટે એ બીજી વખત સિલેક્ટ થઈ દુનિયામાં હજારો વૈજ્ઞાનિક ઓર પાયલટ હે પર અંતરિક્ષ યાત્રી કેવલ 100 હે વૈજ્ઞાનિકો પાયલોટ ઘણા બધા છે પણ અવકાશમાં જનારા અંતરિક્ષ યાત્રી જેને કહેવાય એ માત્ર 100 છે અને એમાંની એક આપણી સુનીતા વિલિયમ્સ છે કે જે આપણા માટે ગૌરવ ભરેલી વાત છે આશા રાખું છું આગળનું બંને લેસન વ્યવસ્થિત રીતે પૂરા કરી લીધા હશે એકમ કસોટી આવવાની તૈયારી છે બરાબર ધ્યાન આપી અને લેસન પૂરું કરજો સીડ વલ્યુ અને સ્વાદે બુદ્ધિમાં પણ કામ પૂરું કરજો બરાબર નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જનરલ નોલેજનો જવાબ હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપીશ સ્ટે હોમ સ્ટે સેફ હેવ અ ગુડ ડે